आज जैसे जैसे भारत का कद बढ़ता जा रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, वैसे ही सुरक्षा के मामले में आज शक्तिशाली देशों की श्रेणी में खड़े होने की जरूरत है, ताकि कोई भी दुश्मन देश भारत को आंख दिखाने की जरूरत ना कर सके। इसी को देखते हुए भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। साल 2020 तक भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO मिसाइल विकसित करने में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएगा। साल 2014 में मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद साल 2022 तक भारत को मिसाइल विकसित करने में पूर्ण आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा था, जिसको अब निर्धारित समय से 2 साल पहले ही हासिल कर लिया जाएगा। इसी कड़ी में DRDO ने गुरुवार को उड़ीसा के तट से नौसेना के युद्धपोत INS चेन्नई से लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। भारत ने INS चेन्नई से सफल परीक्षण के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। जिस मिसाइल का परीक्षण किया गया है वो एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जो करीब 100 किलोमीटर तक दुश्मन के छक्के छुड़ा सकती है। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने एक कम रेंज वाले हवा में टारगेट को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। DRDO की इस सफलता के बाद रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने ट्वीट करते हुए इंडियन नेवी और DRDO इंडिया को बधाई दी। गौरतलब है कि ये मिसाइल सिस्टम पूरी तरह से लागू हो जाने के बाद इसे युद्धपोत पर तैनात कर दिया जाएगा। साफ है कि ये मिसाइल दुश्मनों के हमले से बचाएगा और साथ ही प्रतिद्वंदियों को तहस नहस भी कर देगा। DRDO द्वारा किए गए इस सफल परीक्षण के बाद चीन और पाकिस्तान में खलबली मचना तय है। और यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि भारत और इसराइल ने 2006 में LRSAM पर, मई 2010 में मिसाइल प्रणाली की पहली सफल परीक्षण फायरिंग के साथ काम करना शुरू किया था। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।